नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में हुई ईडी की छापेमारी से राज्य में सियासी भूचाल मच गया है। पंजाब में ईडी के छापे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि ईडी ने अवैध रेत खनन मामले के पंजीकरण के लगभग 4 साल बाद कार्रवाई की थी। साथ ही सिद्धू ने आगे कहा, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, कृपया मुझे गलत ना समझें, कानून को अपना काम करने दें। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी उन्हें प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पीएम को कथित तौर पर पीटने की धमकी दी थी। मामले से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने कथित आरोपों से इनकार कर दिया था। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने रविवार को कहा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी तक चलेगी। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पिछले साल उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई थी। इसे लेकर भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सीएम योगी सरकार पर तीखा बात किया था। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश में आज बीते दिन से 27,469 कम मामले सामने आए हैं। इसमें पहले देश में कोरोना वायरस के 3,33,533 मामले आए थे। देश भर में गणतंत्र दिवस 2022 को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने रविवार को कहा कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 27,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा है कि शहर में आतंकवाद विरोधी उपायों को तेज कर दिया गया है। अस्थाना ने यह भी कहा है कि पिछले 15 दिनों में शहर के कुछ हिस्सों में अलग अलग एग्जिट पॉइंट पर वाहनों की जाँच और नाकेबंदी तेज कर दी गई है, ताकि अगर कोई आवाजाही होती है तो हम आसानी से उसकी जांच और सत्यापन कर सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।